कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो भाई कच्चा खाने का बात कर रही हूँ क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। चर्चा करने के लिए इजाजत देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूं। आज के दिन में आम जनता पर क्या गुजर रही है ये सरकार को समझना चाहिए। मैं तो सहमत थी, मंत्री महोदय यहां है नहीं, जब सत्ते पे नहीं थे तब मंत्री महोदय ने यहां, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, एलपीजी सिलेंडर लेके बहुत शोर शराबा किया था, की थी। अभी मैं जानना चाहती हूं कि वो मंत्री महोदय का राय क्या है जो एलपीजी लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूंकते हुए दिखते हैं क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है, लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। अभी ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं? कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूं कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो भाई कच्चा खाने का बात कर रही हूँ क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके सिलेंडर खरीदेगा। सरकार को सोचना चाहिए, ये हमें कच्चा खिलाने की आदत जो आप लोग डलवाना चाहते हैं ये बंद कीजिए। ईंधन का, एलपीजी का भाव जरूर कमती कीजिए क्योंकि आम जनता को बहुत तकलीफ हो रहा है इससे। आपको ये सोचना चाहिए कि मंत्री महोदय कितना शोर शराबा करके सत्ता पे आ गया, बस भूल गया आम जनता को, कहाँ है सिलेंडर लेके उनका जो जुलूस निकालती थी, बात करती थी, आज यहाँ है नहीं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो इसके बाद भी सोचना चाहिए कि हर चीज के ऊपर जो जीएसटी लगा है, टैक्स लगा है, एक तो बात है कि पेट्रोल या डीजल, इसके ऊपर भाव इसका बढ़ने से सब पर असर आता है, सब चीजों का भाव बढ़ जाता है।